for Rocks is always the prequel to the big IFA night, which of course is on the 18th, which is day after tomorrow. So I think it's just it's a chance for everyone to get together. There's always some really nice performances and there's a lot of fun energy, and I think everyone's just gearing up for the big night. I'm very excited about the show on the 18th. I think it's going to be a magical night. IFA is always, there's always something unexpected that happens at IFA. There's always like some really memorable moment, and the performances and the acts which Shamak has done is really spectacular. Me and Shamak have worked on something which is really, really new. It's something I've never done before on stage, so I'm really looking forward to it. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं पहली बार आईफा पे आया हूँ और पहली बार ही परफॉर्म कर रहा हूँ और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये सबसे स्पेशल चीज़ है मेरे लिए, और मैं और बी प्रैक बाजी आए हैं परफॉर्म करने, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत अच्छा फील करता हूँ क्योंकि स्पेशली पंजाबी म्यूज़िक आज के टाइम पर अकेले पंजाब में नहीं सुना जाता, और पंजाबी म्यूज़िक ऐसा हो चुका है कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है. तो हमारे लिए बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये चीज़ की कि हम अच्छा म्यूज़िक बनाएँ जो हम पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, और पंजाबी म्यूज़िक को ऐसी जगह पर लेके जाएँ जहाँ पर उसको कोई पहचान की जरूरत ना रहे. वो तो सच्ची सच्ची दस मैं तो की ही पाल दें गड्डी च गुलाब चक्की फिरदा, गुलाब नहीं हो कला तेरे पिछे गोरी है, मैं तो सिर ते पंजाब चक्की फिरदा. वो कुड़ियां दे कोके मिलदे टुट पैने वे तेरी जगवार चोनी तक तक तेनू गोरी है, निकले करंट तेरे यार चो जुत्ती थले रख दी है, मित्रां दे दिल नू लगदा है जान दी नहीं हल्ले जसी गेलनू. यार आई थिंक यू वर्क आउट हार्ड थ्रू आउट द ईयर, एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम द लव यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस विच इज़ द बिगेस्ट, अवार्ड्स भी उसी तरह आपको यू नो खुशी देते हैं, एंड यू जस्ट फील यू नो इट्स क्वाइट ग्रेटिफाइंग जो आपको लगता है कि द पीपल हु आर लाइकिंग योर परफॉर्मेंस, पीपल हु यू नो whom you have touched their hearts through your performance. So yeah, I mean, of course, winning an award is always quite a cherry on the cake after a successful film. Aaj nahi, 18th ko me and Ayush were hosting main IFA, so I think really looking forward to that. Kafi times hum soch rahe the ki kis cheez pe collaborate kare ek saath, so and collaborating with Ayush on the big stage hosting the show together will be amazing. Yes, of course. I think there are a lot of performances. Some singers are there, people are performing. I'm really looking forward to all the things happening tonight because this is homecoming. This is my second year at IFA. Last year was in Bangkok. So yeah, I'm really excited. As the name says, IFA rocks. So I'm here to really have a great evening. देखिए सेक्शन 375 रिलीज हुई है इस फ्राइडे को, और धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से बहुत पिकअप कर गई है. हमारा कुछ 8 करोड़ का वीकेंड रहा है जो कि अच्छी बात है, बट ये तो बिजनेस की बात है. जहाँ तक फिल्म की थीम की बात है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थीम है, लोग उसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यही फिल्म का उद्देश्य भी था कि लोग चर्चा करें. आदमी भी चर्चा कर रहे हैं, औरतें भी चर्चा कर रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है. चर्चा होनी चाहिए, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए. हिंदी बहुत खूबसूरत भाषा है, पर हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएँ हैं. मैं खुद कितनी भाषाएँ बोलती हूँ. मैं पंजाबी हूँ, आधी बिहारी हूँ, मुझे तमिल पढ़ना आता है, गुजराती, मराठी, बांग्ला समझ जाती हूँ. तो ये सारी हमारा देखिए राष्ट्रगान ही बांग्ला में है, ये बहुत ज़रूरी बात है. तो डाइवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए लैंग्वेजेस की, कि हर लैंग्वेज में एक कल्चर है. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है. Happy birthday to you. That's my wish to our dear Prime Minister Sahabji. Thank you, thank you. Today, super duper excited. आज मैं perform भी कर रही हूँ अपने कुछ songs पे, so performance है, और बाकी सबकी performance देखने के लिए भी बहुत excited हूँ. And I was back in our own city, so totally looking forward to tonight. I want to thank all my fans, all my listeners, and all of you for giving me so much love and support. Thank you. मेरा second appearance है आईफा में, और सबसे पहली बार जब मैंने आईफा में perform किया था, that was in 2014, जब मैंने राम चाहे लीला 2013 में गाया था, और I was nominated for singers category, और मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने आईफा रॉक्स में 2014 में perform किया था. And this year 20वां साल आईफा का हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं मुंबई में, इंडिया में. आई कांट रियली बी हैप्पी, लाइक हैप्पियर देन दिस.
and I'll be performing one of the best songs of Saleem Saran Suleiman. So I've been performing with them for years now, and aaj unke saath mujhe stage par ek hi manch pe perform karne ka mauka mil raha, and that too in IFA, that too in Mumbai, that too in India. So I'm really happy about this. Bahut aisa dukh dukh ho raha hai, but hopefully matlab koi sorry idhar koi gochi na ho stage pe, to aasha wahi hai ki acha chala jaye, logon ko maza aaye. And what do you think, Radhika? No, I feel the same. I bahut nervousness hai. मैं तीसरी बार होस्ट कर रही हूँ, पर आई थिंक उसकी आदत कभी भी नहीं पड़ती, वो नर्वसनेस हमेशा होती है स्टेज पे जाने की. पर आई थिंक इट्स अभी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज इट्स अ स्पेशल ईयर फॉर आईफा. इट्स इट्स होम कमिंग, इट्स 20th बर्थडे, इट्स हैपनिंग इन मुंबई, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू होस्ट इट. 18 को, हाँ जी 18th को आईफा में फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ आईफा स्टेज पे. आईफा स्टेज हैज ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल टू मी. I've got my debut award in at IFA in 2016, so tab se bahut special hai, but this is the first time I'm performing on IFA stage. Little nervous but very very excited. Nay, today I have just come to give my clappings and my love and my respect to all the beautiful beautiful technicians who are the real heroes behind the camera, jo hame hero banate hain, jo hame audience tak pahunchate hain. I am myself a technician's son, so I have the utmost respect and love for them. So I'm just here to just give my love and respect to them. मैं बहुत excited हूँ. ये मेरा पहला association है IFA Mumbai. ये मेरा पहला association है IFA Mumbai के साथ. I've been associated with IFA South in the past, लेकिन मैं बहुत excited हूँ because 20 years celebration है, homecoming है, Mumbai में है, और I'll be walking for Shantanu and Nikhil. तो मेरी first association 20 years celebration में हो रही है, which is why I'm very very excited. ये पहली बार मैं IFA आ रही हूँ, एंड इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग, क्योंकि हम हमेशा टी वी में देखते थे कि आईफा हो रहा है, एंड आई नेवर यूज टू मिस आईफा, एंड नाइट नाउ आई एम वॉकिंग द ग्रीन कार्पेट, एंड इट फील्स लाइक अ ड्रीम. सो आई एम रियली रियली हैप्पी राइट नाउ, आई एम रियली ग्रेटफुल. देखिए, बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मैं आईफा को आई थिंक 20 साल जब उनकी पहली शो हुई थी, तब से मैं आंद्रे विराव सपा के साथ ट्रैवल करते आया हूँ. उन्होंने मौका दिया हम सबको टू इंटरेक्ट विद ऑल आवर फैंस अब्रॉड, और अब हमें वापस जो हमारे इंडियन फैंस हैं उन्होंने सिर्फ टीवी पे देखा है आईफा, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जो निर्णय लिया है कि यू नो 20 साल बाद 20वां जो उनका एनिवर्सरी होगा वो इंडिया में वो सेलिब्रेट करें, ताकि हमारे इंडियन फैंस जो हैं आईफा के हमारे इंडस्ट्री के दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस What a wonderful award function it really is.